सोशल मीडिया में काफ़ी क्लिप्स आए थे और लास्ट डे भी मैं वहाँ पर था तो काफ़ी इमोशनल आप लोग हुए थे, क्या कहना चाहिए, कैसी ये बॉन्डिंग है कुछ अगर आप बता। मैं तो अभी वही बोल रहा हूँ, मैं तो अभी भी मिस कर रहा हूँ आपसे बात करते करते, उनके फ्लैशेस मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड कितना अरसा हो गया हम मिले नहीं हैं। वी वांट टू वर्क टुगेदर, फैंस भी यही चाहते हैं, हम भी यही प्रे कर रहे हैं मिरेकल हो जाए। ओके, शो की जो कहानी थी वो 365 डिग्री चेंज कर दी गई, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप देखें तो जहाँ पर सभी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी वहाँ टीचर बन रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कहानी 365 डिग्री चेंज नहीं। और जो लास्ट का भी जो था इट इज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, मतलब देखे वो सभी को क्लोजर किया गया है, मतलब कुछ कहना चाहिए लास्ट जब आप लोग। मैं वो टाइम पे था ही नहीं सेट पे, सुबह के 4 या 5 बजे थे हम लोग लास्ट दिन 19th मॉर्निंग को वो सीक्वेंस शूट कर रहे थे जहाँ शक्ति को मतलब बोली, हाँ वो सब हो रहा था। मैं जानबूझकर वहाँ पे था नहीं बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं रहूँगा तो मैं रोऊँगा, मुझे रोना नहीं था इसलिए मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया, मैं अपने में ही था, अपने जोन में था। अभी भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। वो मैं नहीं देखना चाहता था वो, और हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता था जो हुआ, बट अल्टीमेटली इस चैनल कॉल हम क्या कर सकते हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें सर, जैसे कि अचानक से मतलब यू वर्क 1 ईयर पूरा दिन आपने मतलब 365 डे छुट्टी नहीं, मतलब एटलीस्ट तो आप लोगों को तो थोड़ा छुट्टी मिल भी जाता है, लेकिन जो मेन लीड्स होते हैं उनको काम करना पड़ता है 365 डे, ना छुट्टी ना त्यौहार ना कुछ। तो जब उनको इस तरह से बता दिया जाता है विदाउट कंसर्न, हाउ यू फील दैट? एक्टर क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, बुरा लगता है बट फाइनल तो जो हमारे बॉस है वो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे चैनल हैं, उन्होंने जो फैसला लिया शायद सोच समझ के लिया होगा। बुरा तो लगता है कि प्रोड्यूसर से मैंने बात भी की थी, उनको कई सारे सवाल पूछे थे बट ही डिडंट गिव प्रॉपर आंसर। आई डोंट नो, आपने इंटरव्यू देखा हमारा? नहीं, मैंने अब तक देखा ही नहीं। हमारे इंस्टा ही इतने फुल चल रहे हैं कि पूछिए मत, मतलब जब इंस्टा खोलो तो फैंस लोगों का यही होता है कब भोसले परिवार फिर से आ रहा है, कब आप फिर से आ रहे हैं, हम आपसे, हम आप लोगों को देखना चाहते हैं। इससे बड़ा अर्निंग और क्या हो सकता है? आपने लोगों के एक साल के अंदर लोगों के मन में जगह कर ली अपनी, इससे बड़ी उपलब्धि तो और कुछ भी नहीं है। ओके, आखिर मैं अपने फैन से आपका कहना चाहेंगे, जैसे आप प्रे कर रहे हैं वैसे हमारे लिए प्रे करते रहिए, जैसे आपने हमें प्यार दिया वैसे ही प्यार देते रहिए। मिराकल्स होते हैं, हो सकता है हो जाए मिराकल, हो सकता है हम सब फिर से आ जाएं उसी मंच के नीचे, उसी प्लेटफॉर्म पे जहां आप हमको देखना चाहते हैं। तो इसी तरह प्यार देते रहिए, इसी तरह हमें ब्लेस करते रहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।